चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा टॉपिक है फ्रस्ट्रेशन। चलिए बताइए, कोई भी, किन्हीं को आइडिया हो क्या होता है फ्रस्ट्रेशन में? है किसी को कुछ? जिसमें मैम इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उदासी लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, लाइफ से ये हो जाता है, इंटरेस्ट निकल जाता है, किसी चीज में रस जो होता है वो निकल जाता है उसका। चलिए अब देखिए, फ्रस्ट्रेशन को अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं, उसको बोलते हैं कुंठा। ठीक है, तो अब देखिए फ्रस्ट्रेशन में होता क्या है मेनली। आपने एक वर्ड सुना होगा, मोटिवेशन, सुना है? मोटिवेशन वर्ड क्या है कि आप अपने किसी भी काम को करने के लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, एक प्रेरक चाहिए होता है जो आपको उस काम को करने के लिए बार बार आपको प्रेरित करे कि हाँ आपको ये करना है, करना है। मोटिवेशन जो जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं, वो जरूरी नहीं है कि आपको बाहर से ही मिले। बोलते हैं जब आपको नेचुरली मोटिवेशन चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, पर्सन का अपना इंटरनली होता है। क्योंकि बाहर से जब हम मोटिवेशन लेते हैं, तो क्या होता है, वो कुछ ही समय के लिए होता है। कुछ समय के लिए जब वो चीज आपके सामने से हटती है, तो आप उस चीज से हट जाते हो। पर अगर आपको अपने अंदर से इंटरनली किसी को कोई मोटिवेशन मिल रहा है, तो वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है। तो इसी तरह इसमें यहाँ क्या आता है कि अब हमारा फर्स्ट तो देखते हैं हम कि फ्रस्ट्रेशन होता क्या है। कुछ इमोशनल टेंशन्स होते हैं, वो किस कारण आती हैं? अगर हमारे कोई डिजायर्स हैं, हमारी कोई नीड्स हैं, हमारे कोई मोटिव्स हैं, गोल्स हैं, अगर हम उनको पाना चाहते हैं और किसी भी कारण उसको नहीं पा पाते हैं, तो हमारी हमें क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। अब आगे देखिए, आप इसमें मैंने एक वो लगाया है, देखिए आपको इसको समझ आ रहा होगा आपको कि हमने कोई अपना मोटिव्स बनाया है और उसमें कोई भी बाधा आई है बीच में, तो उस बाधा के कारण हम उस गोल्स को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उस गोल को नहीं प्राप्त करने के कारण हमें क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब कैसा व्यवहार हो जाता है हमारा, एकदम चिड़चिड़ापन टाइप आ जाता है और हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता किसी भी चीजों में, हमारी कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो जाता है। आगे सारे कॉज आएंगे, उसमें देखेंगे हम इसको। तो मेन क्या होता है फ्रस्ट्रेशन में, हमारा कुछ भी, हमारा कोई मोटिव, गोल्स या जो भी होता है, अगर उसको हम नहीं पूरा कर पाते, हम उसको नहीं अचीव कर पाते, तो उस कारण हमारे क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ये समझ में आया? जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में बिल्कुल आएगा तो आप लोग बीच में बोल बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम फिर से कम रह जाएगा। और कोशिश है कि क्लास अगर आज ही खत्म हो जाए सारा, ना ज्यादा बचा नहीं है तो अच्छा होगा। अब देखिए, अगर फ्रस्ट्रेशन के टाइप देखा जाए, तो फर्स्ट आता है पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में क्या आता है कि अगर एक इंसान को अपने आप से फ्रस्ट्रेशन कब होती है, अगर हम किसी दूसरे से कुछ उम्मीदें रखते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ मुझे इससे ये मिलेगा, वो मिलेगा, अगर वो नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, इंसान खुद से परेशान हो जाता है कि मैंने ऐसे क्यों सोचा था, मैं ऐसे क्यों किया था। हम वैसे किसी को कुछ सामान दे देते हैं, तो उसके बाद में हम उम्मीद रखते हैं कि शायद ये भी मुझे समय आने पे वो चीज दे, बट अगर हमें वो नहीं मिल पाती है, तो हम कैसे हो जाते हैं, एकदम हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके का हो जाता है। तो उसको बोलते हैं पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। सेकेंड में आता है कॉन्फ्लिक्ट्स, पढ़े थे हमने तो उसी के रिलेटेड है ये। कॉन्फ्लिक्ट्स फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि उसमें बताया था मैंने आपको, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ हो सकता है कि वो शायद उसी का ही मतलब उसी के विचारों में, उसी के विचार हैं, उन दोनों के बीच में कोई द्वंद्व चल रहा है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य करना चाहिए, या फिर दो पर्सन के बीच में भी हो सकता है, हो सकता है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, दो कल्चर के बीच में हो सकता है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग अपनी दो चीज, अब जैसे ले सकते हैं, दो थॉट्स के ऊपर उलझे हुए रहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बस फाइनली जब हम रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते, तो क्या हो जाता है, उसका बीच में रिजल्ट क्या निकलता है, हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि हम जो हमें चाहिए, हम जो करना चाह रहे हैं, हम सब पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेशर फ्रस्ट्रेशन। प्रेशर को आप समझिए कि आपके पास कोई वर्कलोड है, किसी भी तरीके का वर्कलोड हो सकता है, वो आपके एजुकेशन का हो सकता है, आप कोई कार्य कहीं पर करते हैं, वर्क प्लेस वहां का हो सकता है,
जब आपके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है और आप उस काम को सही टाइम पे और सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी कंडीशन कैसी हो जाती है? फ्रस्ट्रेशन, आपका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? ये किस कारण होता है? कहीं ना कहीं आपके जो आपका आसपास का एनवायरमेंट है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, तो आपको आप कंटिन्यूअसली उस एनवायरमेंट्स में बने हुए हो और आपको पता है कि हाँ ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस टाइम में उस समय पे हमें क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन, उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। यहाँ तक समझ में आया सभी को टाइप्स? हम थोड़ा फास्ट हुआ। फर्स्ट हुआ। अच्छा ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार ऐसे मोटा मोटा समझा देती हूँ। देखिए नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात है, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन में मतलब क्या है कि इंसान को इंसान ने किसी दूसरे इंसान से कुछ उम्मीदें रखी हैं। ठीक, हम नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि वो हमेशा अजीता किस वजह से है कि दूसरों के ऊपर आस लगा के बैठे रहते कि मुझे ये मिल सकता है उससे, मुझे ये मिल सकता है, बट अगर वो नहीं मिल पाता किसी भी कारण, तो हम लोगों को कैसा हो जाता है? हम लोग फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं, हम खुद से ही परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या सोच रही थी, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। ये सब चीजें हम लोग खुद से खुद ही परेशान होने लगते हैं, अपनी अपनी विचारों से अपने आप परेशान होने लगते हैं। कोई दूसरा हमें कुछ नहीं कह रहा होता है, पर हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि आपके दो दो विचार हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, जब उनकी विचारधारा अगर अलग हो रही है, जैसे दो पर्सन को आप मान लीजिए, एक पर्सन कह रहा है कि नहीं मुझे तो पतंजलि यूनिवर्सिटी अच्छी है, दूसरा कह रहा है नहीं डीएसवी भी अच्छी है, बट हम दोनों में दोनों क्या करेंगे, उसी बात पे उलझे रहेंगे उलझे रहेंगे। फाइनली जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो क्या होता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, वो समझ ही नहीं पाता कि क्या करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रेशर। प्रेशर मतलब कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं ओवरलोड हो रही है चीजें, आपके पास समय कम है और आपको काम बहुत ज्यादा करना है, तो उस ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी काम नहीं हो पाता हमारा, हम सोचते रह जाते हैं। जैसे नॉर्मली पेपर में भी हम लोग बाजी कभी कभी टाइम टेबल इतना बड़ा बना लेते हैं कि मुझे आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो काउंटिंग काउंटिंग में रह जाता है, काम कुछ भी नहीं हो पाता है। फाइनली जब समय शाम का टाइम आ जाता है, तब हम देखते हैं कि हमने क्या किया आज पूरे दिन में, कुछ नहीं कर पाए। तो उसके बाद लास्ट का आता है हमारा इन्वायरमेंट्स का, मतलब इन्वायरमेंट्स में आता है कि आपके पास का आसपास का माहौल कैसा है। अगर आपके आसपास का माहौल एकदम नेगेटिव नेगेटिव टाइप बना हुआ है, कोई बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है पर उसके आसपास कोई पढ़ने का माहौल ही नहीं बन पा रहा है, तो वो क्या करेगा फिर, एकदम फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एकदम फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाता है कि मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, इस टाइप का, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन। ये समझ में आया? थैंक यू मैम। ओके, अब देखिए इसके कारण कॉजेस देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब इसमें फर्स्ट लिखा है ग्रेड्स। अब मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट था, ये ग्रेड्स लिखा गया है या ग्रिड्स लिखा गया है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, पर ग्रिड्स का मतलब हो, ग्रिड का मतलब होता है लोब, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है जो लोब, ग्रिड मतलब GREED, मुझे अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रेड से लिखा गया है, आप एक बार इसको आप सही कर लेना, ग्रिड GREED, यानी कि कहीं ना कहीं क्या होता है, इसको बोलते हैं लोभ। कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों के प्रति लोभ रखते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें पाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और ऐसे करने के चक्कर में आपको मैम, अगर इसमें दोनों ही होगा तो दोनों ही इसमें एप्लीकेबल है, मतलब ग्रेड्स भी होगा तो अगर हमारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो भी मतलब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मैंने पढ़ा था, और ये अगर ग्रीड भी होगा तो भी हो सकता है कि लालच होता है और हमें नहीं मिलती वो चीज़। हाँ, तो ये मैं वही देख रही थी कि मुझे इसमें थोड़ा सा लग नहीं रहा था कि ग्रेड्स का वही मतलब वही है कि आपको अगर अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते, ये सब चीजें नहीं मिलती, तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। डेडलाइन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि आपको उस समय तक इस कार्य को पूरा करना है, तो आप क्या करते हैं, आप फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं कैसे करूँ, कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। नॉर्मल है, आप अपने एग्जामिनेशन जब हमारे एग्जाम होते हैं उस टाइम की कंडीशन को फील करिए तो पता चल जाएगा सबको कि कैसे कैसे कारण होते हैं। इसके
उसके बाद हमारे एग्जामिनेशन हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई सामाजिक दबाव बना हुआ है जिसके कारण हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, पीयर प्रेशर हो सकता है। सॉरी ऊपर मैंने एग्जामिनेशन बता दिया आपको, पीयर प्रेशर हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, ये सब चीजें छोटे छोटे होते पीयर हैं प्रेशर क्या होता है? पीयर जी। प्रेशर पीयर प्रेशर मतलब कि किसी दूसरे बंदे का प्रेशर बोला जा सकता है, या ग्रुप ग्रुप में तो बोला जाए, ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, कि आपको अगर कैसे बताऊं मैं आपको, पीयर प्रेशर जो होता है, जो हमारे यस कलीग्स, हमारे साथ में सीखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो हमको जैसे अब स्मोक करना है तो हमको नहीं करना, बट बच्चे प्रेशराइज करते कि जैसे कि तुमको एडिक्शन करना है, तुमको दारू पीना है, ऐसे चीजें, ये बच्चे जो अपने साथ में रहते फ्रेंड्स को प्रेशराइज करते, ओके ये ओके नॉर्मल बच्चों में, टीनेजर्स में, तो यस। उसे शायद पीयर प्रेशर कहते हैं। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा, सोशल कन्फर्मिटी, सुना है किसी ने? सोशल कन्फर्मिटी में क्या होता है कि जैसे बच्चे क्या, कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने आप को किसी ग्रुप में शामिल करने के लिए क्या करता है, अपना अपने व्यवहार को चेंज कर लेता है। तो ये पीयर प्रेशर में भी कुछ इस तरीके का आता है कि पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन की नजर में बोला जाए किसी ग्रुप में अपने आप को रखने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अपने आप के व्यवहार को चेंज करता रहता है। कहीं ना कहीं जब वो अपने आप से अपने आप कोई नहीं समझेगा और दूसरों के अकॉर्डिंग चलेगा तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके आगे देखिए आप, रिस्पोंडिंग टू फ्रस्ट्रेशन, अब ये नॉर्मल है, आप जब फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में होते हैं तो कैसे कैसे आप रिस्पॉन्स करते हो। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन में है तो क्या करेगा वो, पहला है तो पहला ही कारण होता है कि वो कैसा होता है, गुस्सा गुस्सा टाइप, उसको एंगर रहता है एकदम गुस्से की कंडीशन में। सेकेंड आता है गिव अप, वो क्या करता है, कुछ भी चीजें हो उसको कुछ भी करने का तो वैसे इंटरेस्ट नहीं रहता है, तो क्या करता है, हर चीज से भागने की कोशिश करता है, छोड़ने की कोशिश करता है उनको। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो हो जाता है, स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है, डिप्रेशन, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, डिप्रेशन की कंडीशन उसकी होती है, और भी बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं जो हमारे फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। इतना ही पढ़ना था आपको, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें छोटी छोटी चीजें ही हैं, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पूछा नहीं गया आपके सिलेबस में इन डिजीज के बारे में, तो कॉमन है आपको कुछ सिम्टम्स, कुछ कॉज, उसके टाइप्स और उसकी नॉर्मल डेफिनेशन। मैम, फ्रस्ट्रेशन से इस बारी तो क्वेश्चन आया था कि मतलब फ्रस्ट्रेशन में पानी ज्यादा पिएगा वो स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन में, कि खाना ज्यादा खाएगा, इसी में से आया था मैम। ये कुछ को अगर क्वेश्चंस को देखें ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सेकंड होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका वहां पे आप के कैसी उसमें बैठे हुए, प्रेजेंट में कितना हो आप, आपके माइंड की स्थिति कैसी है वहां पे, बहुत सारी चीजें हम तभी सॉल्व कर पाते हैं पेपर में अगर देखोगे ना। सॉरी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं जो हम खुद का ही सेंस लगा के उसको सॉल्व करते हैं, हमें तब फील होता है कि यार तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, ये पूरा हुआ आपका, आगे आपका आता है डिप्रेशन, समझ में आया ना सभी को पीछे का? मैम लास्ट वाला बता दीजिए थोड़ा। लास्ट वाला, ये हाँ ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कॉमन सी बात है कि आप लोग अगर फ्रस्ट्रेशन में हो तो आप कैसा रिस्पॉन्स करते हो, कैसा आपका बिहेवियर, मान लो उसको कैसा कैसे करते हो, तो बताया कि एंगर कैसा, अगर आप फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन में है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई कुछ काम बोल दे, आपको कुछ कह दे, क्या करोगे आप, एकदम गुस्से में आ जाते हो। गिव अप यानी कि आपको त्याग, हर चीज को छोड़ने का ही रहता है कि नहीं बस छोड़ देते हैं, नहीं करना, नहीं होगा, ऐसे टाइप का। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लो रहता है, स्ट्रेस में रहते हो आप, मैंने स्ट्रेस आपको पढ़ाया है, डिप्रेशन, डिप्रेशन की, डिप्रेशन में आपको आगे पढ़ाऊंगी, अभी डिप्रेशन में रहते हो, और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं इसके। ठीक है, ये नॉर्मल कॉमन सी चीजें हैं। अब आप देखिए डिप्रेशन, डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं, अगर किसी को अंदाजा हो तो एक बार बता दीजिए।
डिप्रेशन वो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति उदासीनता की तरफ बढ़ जाता है, और उसका जो होता है पैरासिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है, और इस कारण उसमें कई हार्मोनल चेंज आते हैं जिसके कारण व्यक्ति की जो अंदर मैकेनिज्म की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है, और उसके बाद होता यह है कि व्यक्ति मतलब उसके जो विचार है वो उसकी थॉट प्रोसेस भी कम हो जाती है और बहुत सारी चीजें कम हो जाती है। और अगर हम देखें एज अ आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से या योगिक दृष्टिकोण से तो तमोगुण का जो अधिकता होती है या शरीर में कफ की अधिकता हमें डिप्रेशन दिखाती है। यहाँ मैम डिप्रेशन की जैसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आपने जैसे फ्रस्ट्रेशन का बताया, लाइक उसी टाइप में कि हम हमारी जरूरतों जो है उनमें हम कोप अप नहीं कर पाए हमारी जरूरतों के हिसाब से, या फिर हमारे एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाए तो भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे अर्जुन का एग्जाम्पल है ही, वो डिप्रेशन में उसके रिलेटिव देखते हो डिप्रेशन में चला गया, या फिर उसको फ्रस्ट्रेशन आ गया, इस टाइप होता ही है। जी मैम, इसको हायर लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं, कि वो फ्रस्ट्रेशन जिसका जिसका उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर फिर डिप्रेस हो जाता है, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, और जो जो भी उसके अंदर इमोशंस चल रहे हैं वो अंदर ही अंदर उसको डिप्रेस कर देते हैं, फिर वो बहुत कट जाता है सोसाइटी से। सॉरी, मुझे वैसे ये नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसका, मैंने नहीं पढ़ा इसको, तो मैं ऐसे बिना उसके नहीं बता सकती आपको कि कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता। आइडिया होगा तो मैं आपको बता दूंगी अभी, पर मुझे ऐसे नहीं आइडिया, मैं ऐसे नहीं बता सकती। मैम, जो स्ट्रेस है तनाव, हाँ जी हाँ मतलब जो नॉर्मल रहता है और उससे ज्यादा डीप होना, मतलब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ना, उसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है वैसे? मानसिक तनाव। वैसे एक चीज है, आप लोग इन सबको मिक्स क्यों करना चाह रहे हो? स्ट्रेस को स्ट्रेस रहने दो, क्या डिप्रेशन को। मतलब एक एक समान चीजें आ रही है, जैसे मैम फ्रस्ट्रेशन भी ये, एक समान आ रहा है, स्ट्रेस भी आ रहा है और डिप्रेशन भी, हाँ ये इंटरलिंक ही है, जो तो स्ट्रेस है उस, तीनों समय हम बताइए किस में क्या मतलब डिफरेंस है। यस वो तीनों एक जैसे ही होता है। स्टार्टिंग में आपको क्या हुआ है, धीरे 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 वो चीजें बढ़ती रहती हैं, तब एक दूसरे बोलते हैं ना कि एक छोटी बीमारी होती है आपको, वो बहुत सारी अपने साथ आसपास से लेके आ जाती है शरीर में। तो वो कारण क्या होता है, कोई एक कारण होता है बीमारी का, बट उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं। ऐसा नहीं मैम होता कि सिम्टम्स भी बहुत सारे सेम ही है सभी के, तो कंफ्यूजन ही हो जाए, तो तीनों एक ही लगते हैं क्योंकि सिम्टम्स भूख न लगना, बीमारी फील होना, ऐसा टाइप में बहुत सारे सिम्टम एक टाइप में ही है जैसे। हाँ जी, तो वो मैम मेन ये क्या सारी मेंटल डिसीज बोला ही है जाता ना। है, अगर इनका कॉमन बोला जाए सभी का तो क्या बोला जाता है इनको, मेंटल डिसऑर्डर क्यों बोला गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सारे हमारे क्या है, माइंड से रिलेटेड है। अब अगर हर किसी में आपको बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है, तो वो क्या है, वो हमारे माइंड की एक स्थिति है, माइंड का एक फैक्टर है बोला जा सकता है। तो अब ये नहीं हो सकता कि स्ट्रेस में अलग बोला जाए, डिप्रेशन में अलग बोला जाए, एंजाइटी में अलग बोला जाए, तो एक ही काम रहेगा ना। हैंड रेज क्या था किसी ने अभी, बोलिए। मैं कुछ बोल सकता हूँ मैम? हाँ जी बिल्कुल, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस तीनों थोड़े ना अलग अलग होते हैं, है ना। हमें साउंड एक सा करते हैं पर हमें समझना, जैसे कि अभी हमने फ्रस्ट्रेशन देखा, उसमें लिखा था स्लाइड में कि रिस्पॉन्डिंग आपका बिहेवियर, हमें फ्रस्ट्रेशन से भी स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो आवश्यक ये है कि हमें एंजाइटी से भी स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, और स्ट्रेस से हमें डिप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी बीमारी हो तो हमें उससे स्ट्रेस हो जाता है। अभी तो ये भी देखा गया है कि आपको डायबिटीज से भी स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। पर हमें ये समझना है कि हमें कैसे हम चीजों को डील कर रहे हैं। मान के चलिए आपके एग्जाम है तुरंत, और तुरंत एग्जाम है तो आप सडनली क्या करते हो, आपको एंजाइटी होने लगती है।
ठीक है, आपको तुरंत एंजाइटी में आप पहुंच गए, एंजाइटी के स्टेज पर पहुंच जाओगे। मान के चलिए आपके कोई प्रियजन खत्म हो जाते हैं, एकदम आपके पास न्यूज आ जाती है, ठीक है, तो होगा कि आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। ठीक है, ये हमें देखना होता है कि बेचारों की सीनियरिटी जो आपके साथ इंस्टी घटना घटित हुई है वो कितनी सीनियर है, और आप उसे कैसे कॉप अप कर पाते हो। एक आपने थ्योरी सुनी होगी कि स्ट्रेस अगर 21 दिन तक है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है। ये थ्योरी बिल्कुल नकार दी गई है अभी, क्योंकि ये इसका कोई वजूद नहीं है कि आपको 21 दिन तक अगर स्ट्रेस रहेगा तो उसके बाद आप डायरेक्टली डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। आपके विचारों से आप कैसे कॉप अप कर पा रहे हो, ठीक है, उधर पे हमें देखना रहता है। तो जो एक प्रश्न रेज हुआ था जहाँ से कि स्ट्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन सिमिलर है या एक से इंटरलिंक है, इंटरलिंक नहीं है। हमको इनके सिम्टम्स अभी आप एक चीज देखिएगा कि एंजाइटी को डायग्नोज करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, डायग्नोज करने के लिए क्वेश्चन आ रहा है, और स्ट्रेस को डायग्नोज करने के लिए क्वेश्चन आयर अलग आता है। जब तीनों के क्वेश्चन आयर अलग है तो सीधी सी बात है कि हमारे तीनों डिसऑर्डर्स जो है, ठीक है, वो भी अलग होंगे। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू। समझ में आ गया सभी को कि आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सबको अलग रखना है, ठीक है? अगर किसी को स्ट्रेस हुआ है तो वो स्ट्रेस के क्वेश्चन आयर से चेक होएगा, एंजाइटी एंजाइटी की और डिप्रेशन डिप्रेशन की, ठीक है? आगे चलना है। ओके मैम, हाँ जी, डिप्रेशन के बारे में पता चल गया है। इसमें मैंने कुछ लिखा है, ये कुछ तथ्य दिए गए हैं जो पता होने चाहिए, इसको आप लोग देख लीजिएगा स्लाइड। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम इसको देखिए, वैसे तो बहुत सारा हो चुका है हमारा डिप्रेशन के ऊपर क्या क्या होता है। इसमें भी कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं कि जब कोई पर्सन डिप्रेशन की कंडीशन में होता है तो कैसी कैसी होता है। देखिए इसमें लिखा है कि कॉमन मेंटल डिसऑर्डर, तो डिप्रेशन भी क्या होता है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है, जो क्या क्या उसके कुछ सिम्टम्स इसमें बताए गए हैं, जैसे डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर्स, फीलिंग ऑफ गिल्ट, और हम लो सेल्फ वर्थ, डिस्टर्ब स्लीप, यस डिस्टर्ब एप्टीट्यूड, लो एनर्जी एंड पुअर एपेटाइट, कॉन्सेंट्रेशन, मैम वो एपेटाइट है, तो एपेटाइट, सॉरी। भूख भूख होती है ना, वो कम हो जाती है। तो इसमें भी कुछ हमारे सिम्टम्स दिए गए हैं कि डिप्रेशन के उसमें क्या क्या होते हैं। ये साइन और सिम्टम्स मैंने इसमें दिए हैं, बट ये वो छोटा है इसके, इसको ना आप खुद देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा ना, ये तो बड़ा बड़ा है। दिखाई दे रहा है, अगर हम देखें सबसे पहले तो कि डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, कि कोई भी पर्सन होता है कहीं ना कहीं, इसमें फर्स्ट लिखा है एंजाइटी, आपको आगे आए आपका एंजाइटी आपके टॉपिक्स में, सिलेबस में वो आपको पढ़ाऊंगी, बट फिर भी आपको बताया अभी एंजाइटी के बारे में क्या होता है। एंजाइटी कोई बताएगा? चिंता, उसी के बारे मैम में दुष्ट रहना। तुरंत बोल दिया, तुरंत कोई समस्या आना, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एकदम से एग्जाम का डेट आ गया। यस। और देखिए आगे वैसे आपके इसमें है, ये अगर टाइप बचा तो मैं सोचती हूँ इसको आज ही पूरा कर देती हूँ, पर एंजाइटी में आप देखें तो क्या होता है कि एक तो होता है कि नॉर्मल एंजाइटी, और एक होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर बोला जाए तो नॉर्मल एंजाइटी क्या होता है कि आपको छोटी मोटी चीजों से डर लगता है, कि आपके एग्जाम की डेट आई, आपको छोटा मोटा डर है, बट अगर यही चीज आपकी बहुत लंबे समय तक बन रही बने बने जा रही है, और कहीं ना कहीं आपके डेली रूटीन जो है, डेली की एक्टिविटीज जो है, जो जब उनको वो इफेक्ट करने लगती है, तब उसको एंजाइटी कहा जाता है। नॉर्मल छोटा मोटा डर हमें होता है, बस उसको एंजाइटी नहीं कहा जा सकता, वो नॉर्मल एंजाइटी है। क्योंकि कहीं ना क्या है कि अगर आप डरेंगे नहीं, आपको डर नहीं होगा किसी भी चीज से, तो हम उसको काम को नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे नॉर्मल बोले कि अगर पेपर में आपको फेल होने का डर नहीं है, तो क्या आप पढ़ाई करेंगे?
नहीं करेंगे। अब आता है होपलेस। अगर आप ये छोटे छोटे चीजें हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं हमारे, चेंज इन बॉडी वेट्स, बॉडी का वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है, अनकंट्रोलेबल में इमोशंस, हमारे इमोशंस जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, फील लो आप हर टाइम लो लो टाइप फील करते रहते हैं, इंसोम्निया मतलब आपको निद्रा नींद नहीं आने की बीमारी भी हो जाती है, सुसाइड टेंडेंसी, आप क्या करते हैं ऐसी कंडीशन हो जाती है कि बस आपको अब ये लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे टाइप की आपकी कंडीशन हो जाती है। ये कुछ इसके साइन हैं डिप्रेशन के। अब कारण देखें तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर मेन कारण देखें हम लोग क्या होता है डिप्रेशन का, वैसे कोई बताएगा? हेलो, यस मैम, हाँ जी बताइए। हाँ मैम, जैसे आवाज कोई मेरे घर में थोड़ा सा तो बता नहीं सुन रहा, सॉरी। कोई और बताइए। मैम, यदि आपका मेंटल स्टेबिलिटी कम है तो छोटी छोटी सी चीजें भी आप अच्छे से टैकल नहीं कर पाते हो, तो उससे फिर मतलब आप बैलेंस नहीं बना पाते हो, तो फिर आप निगेटिव सोच में चले जाते हो और धीरे 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 छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, तो ये सब चीजें हो सकती हैं। या फिर कोई बीमारी हो, बड़ी डिसीज हमको हो गई हो, कैंसर या कोई भी, तो उससे भी हमको बहुत सारा डिप्रेशन आता है। यस, मेन चीज क्या होती है, आप इमोशनली जितने स्ट्रोंग होंगे, अगर कहीं ना कहीं आप कुछ भी, जैसे आपके पास कोई भी छोटी चीज आती है तो आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग ये सोच लेते हैं कि नहीं अभी तो ये ठीक ही नहीं हो सकता, बस अब आप जब उम्मीद छोड़ देते हो, आप किसी चीजों के प्रति जब होप नहीं रखते हो, आशा नहीं रख पाते हो कि आए होप आएगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हो, जब आप सोचते हो कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, अब तो बस ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो उस वो सबसे ज्यादा बड़ी कंडीशन होती है जब आप डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हो। कुछ पर्सन का नेचर होता है ऐसे, मैंने देखा है, वो बहुत छोटी छोटी बात को भी लेके ऐसे करते हैं कि बस अब नहीं होगा, अब तो ठीक है, ऐसे होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसे करने लगते हैं, तो वो चीजें क्या करती हैं, हम छोटे छोटे, पहले तो क्या होता है कि हम छोटे छोटे चीजों को लेके ऐसा बिहेवियर करते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है जब बड़ी चीज भी हमारे सामने आती है तो हम लोग क्या करते हैं, तब ऐसा ही रिएक्शन करते हैं, और उस समय हम क्या करते हैं अपने आप को नहीं संभाल पाते और डिप्रेशन की कंडीशन में पहुंच जाते हैं। जैसे इसमें कुछ चीजें दी गई हैं आपको, एब्यूज, आप एल्कोहल अगर ज्यादा यूज करते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस आपके ऊपर बना हुआ है, जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कुछ, कि आपको के फैमिली में किसी को, मम्मी पापा या दादा दादी या किसी को भी डिप्रेशन का कोई रहा है, तो वो भी जेनेटिक भी इफेक्ट करता है कि वो भी बच्चों में आ जाता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, अगर किसी की रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो उनको भी डिप्रेशन हो जाता है, पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहे हो, अच्छे से नहीं खा पी रहे हो, जो आपको हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो आप उसको नहीं दे रहे हो, फिजिकली इलनेस, अगर किसी को कोई बीमारी है वो भी एक कारण होती है कि हमारी डिप्रेशन की कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि उसको भी यही लगता है कि नहीं अब तो बस मतलब मैं ठीक ही नहीं हो सकता, जैसे नॉर्मली बोला जाता है कैंसर या कुछ ऐसी डिजीज होती हैं कि उनको पेशेंट को जब तक पता नहीं चल पाता तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही पता लगता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी बना दी गई है उनके प्रति कि नहीं जब ऐसी कंडीशन आती है तो इंसान कभी ठीक ही नहीं होता है, तो वो कंटिन्यू ऐसा ही सोचते रहते हैं, कुछ ही मंथ्स में या कुछ ही टाइम पीरियड बाद उनकी डेथ हो जाती है। लोअर सेल्फ स्टीम क्या करते हैं, वो खुद का ही अपना ही आत्म सम्मान उनका कम होने लगता है, अपना ही सम्मान नहीं कर पाते हैं अपने प्रति, तो इंसान क्या होता है कि फिर वो डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाता है। आगे ये कुछ डिजीज दी गई हैं जिनको अगर लंबे समय तक आप डिप्रेशन की कंडीशन में है तो हो सकता है फिजिकली आपको इन सब डिजीज का सामना करना पड़ जाता है जब आप लंबे समय तक उसी अवस्था में बने रहते हो, ये देख लीजिएगा। अब आप इसमें देखिए कुछ टाइप्स दिए गए हैं, कॉमन टाइप्स, जैसे फर्स्ट आता है हम, डिजीज मैम, डिजीज एक बार दिखा दीजिए। ओके देखना है आपको, वैसे मैं पीपीटी दूंगी आप लोगों को, आप देख लीजिएगा उसमें, नॉर्मल कॉमन डिसऑर्डर्स, ये डिजीज है हमारी, अर्थराइटिस, स्टमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी,
आगे चले, देख लिया। जी मैम। ओके, अब आप टाइप्स देखिए इसके। डिप्रेशन के कुछ टाइप्स इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये क्या होता है इस डिसऑर्डर में, मतलब इंसान क्या करता है, बहुत ज्यादा चिंता करता रहता है। जैसे कुछ भी छोटी छोटी भी चीजें हो सकती हैं कि भाई जैसे कोई किसी का रिलेटिव कहीं बाहर गया, पापा कहीं बाहर गए। मैम ये सब लाइक डिसऑर्डर्स हैं या फिर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन है, क्योंकि बाइपोलर ये सब तो डिसऑर्डर्स में आते हैं ना, तो ये डिजीज है या फिर टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, टाइप्स मैं आपकी बात ही नहीं समझ ओके पाई, क्या बोला मतलब मैम ये आपने। डिसऑर्डर्स हैं या फिर डिप्रेशन के टाइप्स हैं, ये मैं पूछ रही हूँ कि सब में मतलब डिसऑर्डर्स है ना ये सब। ये डिप्रेशन के टाइप्स हैं। ओके फर्स्ट मैं आपको क्या बता रही थी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा चिंता करने लगता है। जैसे हम जैसे किसी का रिलेटिव कोई बाहर गया है, इधर उधर गए, तो सोचेंगे घर आए हैं नहीं आए हैं, इस तरीके से हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, इस तरीके से की चिंता क्या होती है लगातार बनी रहती है। इसके कुछ टाइम पीरियड होता है कि ये किस तरीके से बना रहता है। कि अगर देखा जाए तो ये डिसऑर्डर कैसा होता है, सॉरी कुछ गलत हो गया था, मिक्स कर दिया मैंने, सॉरी एक मिनट, एंजाइटी बता दिया था मैंने आपको, माफ करिएगा। जल्दी जल्दी में फिर से मैं बताती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि अगर क्या होता है कि किसी का कोई ज्यादा, किसी को कोई ज्यादा प्यार करता है, कोई उसका ज्यादा प्यारा पर्सन होता है, बंदा होता है, तो अगर वो कहीं उसको कुछ हो जाए या कहीं चला जाए तो वो क्या कंडीशन होती है, वो लोग उस कंडीशन को बोला जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसमें बोला जाता है कि इसमें क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, नॉर्मली सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सैडनेस होती है, होपलेसनेस हो जाती है, इसके कॉमन सिम्टम्स होते हैं आगे हैं उसमें। तो क्या करते हैं, अगर इस तरीके के सिम्टम उसके 2 वीक तक बने रहते हैं तो इसको बोला जाता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब आगे इसमें आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, अगर देखे तो क्रोनिक भी बोला जा सकता है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो डिप्रेशन होता है वो लंबे समय तक चलता है। देखा जाए तो डेली डेली बनते 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 वो 2 साल तक बढ़ सकता है, कंडीशन में ऐसा हो जाता है, तो उसको बोला जाता है लगातार बने रहता है वो डिसऑर्डर, सॉरी डिप्रेशन। के बाद आता है थर्ड नंबर पे बाइपोलर डिप्रेशन। बाइपोलर में क्या होता है, इस कंडीशन में ज्यादातर इंसान के क्या होता है, मूड जो होते हैं ना, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। कभी तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है एकदम, कभी कभी कैसे होता है एकदम डिप्रेसिव कंडीशन में चला जाता है। इसमें देखिए 2 वर्ड दिए गए हैं, मैनिया और डिप्रेशन। तो अगर पर्सन का जो मूड होता है वो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है, एकदम चिड़चिड़ा गुस्से टाइप ऐसा व्यवहार करने लगता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है मैनिया। अगर एकदम शांत शांत हो गया है, कुछ नहीं बातचीत करना, ये सब चीजें एकदम हो गया, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिप्रेशन। उसके बाद आता है आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये जो कंडीशन होती है ये उस समय की होती है, अगर इसको देखा जाए तो, कि बच्चा जब बच्चे के जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद क्या होता है, जो फीमेल होती है उसमें उसके बॉडी के में बहुत सारे सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एकदम उसका जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है वो भी चेंज हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस भी बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या बोला जाता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, हार्मोन्स का जो लेवल होता है ना वो बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो धीरे जब बच्चे का जन्म हो जाता है, उस समय क्या होता है कि हार्मोन्स का लेवल डिसबैलेंस हो जाता है, कम भी हो सकता है।
तो जिसके कारण क्या होता है, मम्मी जो फीमेल होती है उसमें बहुत सारे, उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंज आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कैसे हो जाता है, एकदम उदास उदास टाइप रहने लगती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन टाइप इस तरीके का, और देखा जाता है तो इस तरीके का व्यवहार हो जाता है कि छोटी छोटी बातों पर रोने टाइप लग जाती है। और इसके बाद आता है आपका प्रीमेंस्ट्रुअल, सॉरी यही तो था, 1 मिनट, इसके बाद आपका आता है 5th नंबर पे प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है उसके 7 या 8 डेज पहले क्या होता है कि उनमें एक अलग सा चेंज आने लगता है उनके व्यवहार में, कि कुछ चिड़चिड़ा टाइप इस तरीके के हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्पोजिस डिसऑर्डर। ठीक, उसके बाद आपका आता है सीजनल इफेक्ट। सीजनल इफेक्ट में क्या होता है कि सीजन्स के अनुसार क्या होता है डिप्रेशन, जो सीजन्स में, ये जो डिप्रेशन होता है सीजन्स में होता है, ज्यादातर देखा जाता है विंटर्स के समय पे होता है। और क्या होता है ज्यादातर, जी हाँ, विंटर्स में क्या होता है जो रातें होती है बहुत लंबी होती है, और जो हमारी आप देखते हो कभी कभी कैसा होता है कि अगर सनलाइट कम होती है तो कुछ पर्सन जो होते हैं ना उनको प्रॉब्लम होने लगती है। मैंने भी देखा है एक कि हमारे पास में आंटी, उनको क्या होता था कि जैसे अगर लाइट लाइट नहीं है, ये व्हाइट बल्ब जो होता है ना, एलईडी लाइट जो होती है, उनको उस लाइट में भी ना मतलब अच्छा नहीं लगता था, जो रेड कलर की लाइट होती है अगर उसको जलाते थे तो उनको अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं कारण क्या होता है कि अगर लंबे समय तक, जैसे बारिश बारिश का मौसम चल रहा है, सनलाइट नहीं आ पा रही है, तो उन लोगों को क्या करता होता है डिप्रेशन की कंडीशन फील होने लगती है, एकदम अपने आप को लेजी लेजी टाइप, जैसे उनका मन नहीं लगता कहीं पर भी, ऐसे उनको फील होने लगता है। उसके बाद आता है ए टिपिकल डिप्रेशन। ए टिपिकल डिप्रेशन क्या होता है कि इसमें क्या कैसे करते हैं कि हम लोग मतलब किसी का जो बिहेवियर होता है उसके, जब उसके अपोजिट कोई बिहेवियर करता है, जैसे देखे तो कैसे किसी को, किसी किसी पर्सन को होता है कि किसी को ज्यादा स्ट्रेस के टाइम पे आप देखते होंगे कि जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी को ज्यादा स्ट्रेस के टाइम पे क्या होता है कि ज्यादा उसको भूख नहीं लगती है, कहते हैं कि नहीं मेरा तो खाने पीने का मन नहीं करता है, पर कुछ पर्सन क्या होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, उसको बार 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 खाते रहते हैं खाते रहते हैं। आप देखते होंगे कुछ बच्चों के पेपर के टाइम पे क्या होता है कि वजन जो होता है बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम मोटे, उनका वेट बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है कि वो पता ही नहीं चल पाता कि हमारे बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है, इसको बोला जाता है एटिपिकल डिप्रेशन। समझ में आया इसमें सबको? तो मैम एटिपिकल वाला एक बार और बता दीजिए। ऐसे समझिए जैसे कि एटिपिकल में क्या होता है कि आप अपने जो आपका नॉर्मल व्यवहार है उसके अपोजिट व्यवहार करने लगते हो, जैसे कुछ हम लोगों को, हम ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, बट अगर हमारे एग्जाम आ रहे हैं या कोई भी ऐसी कंडीशन हो रही है तो कुछ पर्सन क्या करते हैं, उनको लगातार वो बार बार उनको अपने आप को रिलैक्स देने के लिए कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ खाते हैं, इस तरीके का करने लगते हैं। जैसे मैंने एक चीज इसमें और भी देखा है कि कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम लोग क्या करते हैं कमजोर टाइप, कमजोरी महसूस करने लगते हैं, तो क्या करते हैं वो लोग पर्सन अपने आप अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने के लिए, मतलब एनर्जी को एकदम लेने के लिए मीठा खाना पसंद करते हैं। होता है कुछ कुछ पर्सन के साथ ऐसा, क्यों बार बार क्या करते हैं बार बार मीठा खाते हैं बार बार मीठा खाते हैं, जब भी उनको ऐसी किस कंडीशन में होते हैं, तो वो इसमें होता है कि मतलब आप अपने व्यवहार के अपोजिट एकदम ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंजाइटी। सॉरी ज्यादा तो नहीं हो रहा है बट मैंने सोचा था कि आज खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत टाइम से ये चल रहा है और जल्दी से खत्म होएगा तो अच्छा है। रुक जाइए आप 1 मिनट, बैठे रहिए इसमें।
टाइम है हमारे पास 9 मिनट का, जितना भी होता है। आप लोगों का टेस्ट भी है शायद वेडनेसडे को। हम तो गए जाएगा, कुछ आपने छूटेगा लेने तो वाले टेस्ट हमारा मैम, जी। आपने लेने वाले टेस्ट? अभी सर ने बोला है कि आपको जो टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चंस बना के देने हैं, तो अब पता नहीं कैसे करना है कि वही होगा या फिर मुझे अलग से लेना है। एक सेकंड। अच्छा एंजाइटी के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है पीछे जब एंजाइटी वर्ड आया था। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा वही है। इसमें नॉर्मल एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर इसको बोला जाएगा। मैम, वो एंग्जायटी का चार्ट दिखा दीजिए ऊपर। ये लीजिए। चले आगे। एक मिनट मैम, एक मिनट बस, मैं क्या लिख रही हूं ना, तो बस एक मिनट मैम। हो गया मैम। नॉर्मल एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बताना है फिर से? चले आगे। नॉर्मल एंजाइटी वही है मतलब जब आपको छोटी छोटी चीजों के प्रति कोई डर रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर किसको कहा जा सकता है? जैसे आप बोले किसी पर्सन को कंटिन्यूअसली अपने भविष्य की चिंता हो जा रही है कि क्या होगा मेरे भविष्य में, कैसा होगा, क्या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं वो सोचते सोचते वो बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। जब वो चीजें लंबे समय तक चलती रहेंगी तो उसको फिर क्या कहा जाएगा? एंजाइटी डिसऑर्डर। आगे चलिए। हेलो। यस मैम। हाँ तो क्या होता है कि एंजाइटी में मैं आपको बताया थी, एंजाइटी मतलब क्या होता है कि आपको लंबे समय तक किसी एक ऐसे भय डर में आप बने रहते हो, जो कहीं ना कहीं क्या करती है कि आपकी डेली की एक्टिविटीज जो होती है उनको इफेक्ट करती रहती है। और आप जो होती है वो एक लंबे पीरियड तक उसी अवस्था में बने रहते हो, और आपको जो चीजें करनी होती हैं, अपने जिस काम को आप करना चाह रहे हो आप उसको उसको भी नहीं कर पाते हो, और आप जो होते हो कि उस भय के कारण उसी में लगे रह जाते हो, और आप अपने मतलब जो आपकी डेली की रूटीन की जो काम होते हैं उनको भी अच्छे से नहीं कर पाते हो। और जब उनको नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में क्या होता है कि जब हमने कोई भी कोई चीज रखा है, कोई मोटिव रखा है, तो उसको हम जब अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो चीजें हमारी इफेक्ट होती रहती है बाद में, तो फाइनली क्या होता है कि हम लोग एकदम कैसे हो जाते हैं, हमारा मतलब एकदम एकदम चिड़चिड़े टाइप हो जाते हैं, अपने आप को एकदम अपने इमोशंस को फीलिंग्स को नहीं समझ पाते कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं। उसके बाद देखिए आप लोग इसमें इसमें कुछ मैंने इसमें बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, पर मैंने इसमें कुछ सिलेक्टेड टाइप्स रखे हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट आता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं छोटी छोटी चीजों के प्रति भी। जैसे मैं आपको पीछे बता रही थी वो कि आपको भाई मैं घर मुझे घर पहुंचना है, नहीं पहुंच पाऊंगी तो क्या होगा, ऐसे पापा घर पहुंचे होंगे या नहीं होंगे, इस तरीके की चीजें जो होती है ना वो आपको आप उसके प्रति बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं। उसके बाद आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है
कि आप लोग क्या करते हैं, समाज के प्रति सोचते रहते हैं। जैसे आपको कुछ करना है या कुछ बोलना है तो आप सोचेंगे कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूंगा तो कोई क्या करेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में, मेरी मजाक बनाएंगे, ये बनाएंगे। आप इस तरीके की चिंताओं में लगे रहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को लेके बहुत ज्यादा, आपको ज्यादा घबराहट होने लगती है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हो, एकदम गला आपका सूखने लगता है, और आप एकदम मतलब ऐसा जैसे पागल जैसे व्यवहार होता है, ऐसे ऐसे करने लग जाते हो। तो ये क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर। पर मैम ये सब तो होता ही है ना, ये सब चीजें तो होती है मैम, चाहे आप कितना ही कोशिश करो। उसके बाद आपका आता है, मैम ये नॉर्मल एंजाइटी में आएगा, कौन सा, ये जो तीनों बताया गया वो? ये डिसऑर्डर है, नॉर्मल एंजाइटी नहीं है, इसके सामने लिखा है देखिए डिसऑर्डर। नहीं, ये जो डिसऑर्डर है वो नॉर्मल एंजाइटी में हम ले सकते हैं। नॉर्मल एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया है मैम मतलब डे टू डे लाइफ में मैम? जो हमें डेली लाइफ में होता है, यूजुअली सबको ये सब चीजें होती हैं, तो वो नॉर्मल एंजाइटी है। बट अगर यही सेम कंडीशन रेगुलरली कंटिन्यूअस होती रहे तो वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको जनरलाइज यस एंजाइटी डिसऑर्डर में बोला है कि वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों पर बहुत ज्यादा चिंता करते रहते हैं बहुत। तो एक कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए सोचा कि हाँ हाँ क्या हुआ होगा, मैं मतलब भाई होगा यानी घर आए होंगे, नहीं पहुंचेगी क्या, ये ना हो जाए तो ठीक है। कुछ पर्सन क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं कि कहीं ये ना हो जाए, कोई घर से बाहर गया कहीं ये ना हो जाए उसके साथ, ये ना ऐसे, भाई वो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, बहुत एकदम डीप हाई लेवल पे चले जाते हैं, तो उसको डिसऑर्डर बोला जाता है। छोटी मोटी चीज की टेंशन तो होती है, वो हमारी नॉर्मल एंजाइटी है। जैसे किसी के पेपर का मान लो आप इसको कॉमन सा, किसी का रिजल्ट आने वाला है, आप किसी बच्चे ने तो एक बार सोचा कि हाँ भाई देखो रिजल्ट, जब तक पेपर हमने एग्जाम दे दिया है रिजल्ट आएगा, चिंता तो सबको होती है कि हम फेल होंगे या पास होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब से पेपर दे के आए हैं जब तक रिजल्ट आता है रोते ही रहते हैं रोज कि हाय मैं तो पास होऊंगा ही नहीं, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। वो हर टाइम ऐसी चिंता में बने जा रहे हैं। पता चला 2 महीने तक उसको, अगर वो 2 महीने तक उसी कंडीशन में है, उसी चिंता में लगा हुआ है, तो क्या उसको नॉर्मल बोला जाएगा कि नॉर्मल एंजाइटी में? तो एकदम डिसऑर्डर में आ गया, बोलेंगे इसको तो उसकी वो हो गई है, तो भाई उसी कंडीशन में रहता है, तब उसको बोलेंगे फिर डिसऑर्डर। ठीक है, यस मैम। आगे हम टाइम कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हाँ, सिलेक्टिव। ये तीनों ही प्रकार दिया है कि उससे भी ज्यादा हो सकते हैं ना? ये प्रकार ही है जो आगे मैंने खोला है। अब आगे आता है कि मतलब इसमें आगे आता है कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म। इसमें क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ कुछ पर्सन क्या होते हैं कि इसको नॉर्मल आप लें कि कुछ पर्सन कैसे होते हैं कि अपने घर में उनको बातचीत करने में कोई समस्या नहीं होती है, घर में उनकी कोई भी आए वो सबसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे स्कूल के आप टीचर को ले लीजिएगा कि स्कूल के टीचर अगर घर आते हैं तो घर उनसे वो अच्छे से बात कर पाते हैं, मगर अगर वो टीचर ही स्कूल पहुंच जाए और बच्चा भी स्कूल में हो तो वहां पर उसको से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है कि हर एक कंडीशन में वो एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाते, एक जैसी उसकी कंडीशन नहीं रहती है। अगर वो अपने घर पे अच्छे से बातचीत करता है बोलता है, बट वो वही चीज वो वहां पर स्कूल पे नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है सिलेक्टिव कुछ जगह पे ऐसा अच्छा अच्छे से बोल पाता है, बट सारी जगह पे बोला जाए तो वो नहीं कर पाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका फोबिया। फोबिया नहीं कि मतलब कि आपको डर, आप स्पेलिंग गलत हो गई है, PHOBIA हो ना DIA हो गया है। जी फोबिया की स्पेलिंग गलत हो गई, PHOBIA होना चाहिए और DIA हो गया हो। सॉरी, वो ध्यान गलती से टाइप किया तो पता नहीं चला। वो नहीं, एक जस्ट फोबिया बता, फोबिया हो गया। हाँ उसको चेक कर मैम लीजिए। चलिए चलिए आगे, मैम बहुत लेट हो रही है। हाँ जी, टाइम हो रहा है। तो फोबिया यानी क्या होता है कि आपको डर बना रहता है। फोबिया एक तो छोटा नॉर्मल डर होता है कि किसी चीज से आपको डर लगता है, नॉर्मल है, बट वही डर जो आपको क्या होता है कि बहुत बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है किसी को, तो वो क्या होता है कि उसको बोला जाता है फोबिया। अब इसी में आगे आता है गोराफोबिया। गोराफोबिया मतलब कि इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर एक चीज से डर लगता है। जैसे किसी को बोला जाए
कुछ पर्सन जैसे होते हैं ना कि उनको वो वैसे किसी जानवर से नहीं डरते हैं, बट वो छिपकली से डरते हैं या फिर डॉग से डरते हैं, पर्टिकुलर किसी एक से डरते हैं, तो उसको बोला जाता है अगोराफोबिया। आगे आता है इनलेस एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि आपको क्या होता है कि हर समय आपके दिमाग में बना रहता है कि मुझे कोई बीमारी हुई है, ये बीमारी हो गई है, ये अब ऐसे होगा, मुझे कहीं ये ना हो जाए, ये बढ़ ना जाए, इस तरीके की चिंता जो होती है उसके दिमाग में रेगुलर बनी रहती है। ठीक है, इनलेस एंजाइटी डिसऑर्डर इसको बोला जाता है। आगे चले, अब आप इसमें देखिए, एगोरेफोबिया, ये फिर से बताइए मैम थोड़ा। एगोराफोबिया मतलब क्या होता है आपको? हाँ सॉरी, अगोराफोबिया में क्या होता है कि आपको ज्यादातर, जैसे आप किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं और आपको वहां पर बहुत ज्यादा डर लगता है कि हाय मैं यहाँ कैसे होएगा, जैसे कुछ पर्सन होते हैं ज्यादा भीड़ में उनको कैसा लगता है कि हाय मेरा दम घुटने लग रहा है, तो इस तरीके की उनकी कंडीशन हो जाती है, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। पब्लिक प्लेस पे मतलब उनको ऐसे लगता रहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है मैं यहाँ पे मर ना जाऊं, मुझे दबना घुट जाए, इस तरीके की कंडीशन होती है। आगे हाँ, इसमें निकलने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या हम? जी इससे बाहर निकलने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आगू हो गया जो आपने बताया अभी। हाँ जी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप एकदम जहां पर ज्यादा भीड़ है आप वहां पर जाते हैं डायरेक्ट, तो हो सकता है बहुत सारे पर्सन होते हैं ऐसे कि जिनको मतलब एकदम आपको घुटन टाइप महसूस होते हैं, बट आप धीरे 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 अपनी माइंड सेट ऐसा करेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप थोड़े थोड़े थोड़ी थोड़ी पब्लिक प्लेस में जाना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे जब उसका आप सामना करने लगते हैं, छोटा छोटा स्टार्टिंग करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप लोग जब उन सिचुएशंस का थोड़ा थोड़े में सामना करने लगते हैं तो चला जाता है, फिर नर्सिंग नॉर्मल होता है स्टेज फोबिया। अगर आपको एकदम ऑडिटोरियम के स्टेज पे बोलने को बोल दे जाए तो नहीं बोल पाते हैं, उससे पहले क्या किया जाता है आप अपने स्कूल क्लास के पोडियम पे खड़े होकर बोलते हो, फिर आप अपने स्कूल की जो नॉर्मल प्रेयर होती है उसमें बोलते हो, तो धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप आप करते रहते हो, तो आपका जो डर होता है वो खत्म होता रहता है। इसी तरीके से होता है, इसको भी आप छोटा छोटा करेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं तो वो भी खत्म हो जाता है। किसी को हाइट से, जैसे देखिए हाइट से फोबिया होता है, ठीक है फाइव मैम हो गए हैं। जी मैम, थैंक यू। एग्रोफोबिया तो आपने बताया ना कि अभी किसी एक चीज से डरना, जैसे मैं किसी चीज से नहीं डरती हूँ, लेकिन मान लो कुत्ते से डरती हूँ या छिपकली से डरती हूँ। सॉरी माफ करना, स्टार्टिंग में मुझे लगता है मैंने ये गलत बोल दिया था, बट इसका मेन होता है कि पब्लिक प्लेस का, कि आपको पब्लिक प्लेस पर डर लगता है, एक तो टाइम को देख के जल्दी जल्दी में मैंने गलती से ही बोल दिया, बट एगोराफोबिया का होता मैम है। कल नहीं हो गया है ये, वैसे कर थोड़ा सा बचा है, आपको आगे इसमें कुछ इतना पढ़ना नहीं है, ये हो जाएगा आज ही, बाकी ले स्लिप बचा है वो आपको राहुल सर करा देंगे, उनको मैंने बोला है राहुल सर आपको मैम, स्लिप ये करा। डरना भी किस, ये कौन से फोबिया किस में जी आएगा? जी जल्दी बहन जल्दी हेलो, जा। हाँ, ये छिपकली से डरना, ये किस में आएगा फिर? जड्डी पहन ना इसको वैसे हाँ, डिप्रेशन तो का अगर भी देखा आप जाए ना, ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो हर अनम्यूटेड टाइप की फोबिया है उसमें, हर डिजीज की है, छिपकली में किसी से डरना उसमें क्या है। कर सकता, बट इनका और सुशला है, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मुरमुरा का सुशला है। हाँ, मुरमुरा का साक्षी सुशला जी, है, सुशला भी साक्षी जी खा ले। को वाइफ शुरू है, ऑफ करना पड़ेगा। नहीं दीदी, आप मेरा ऑफ पुष्पा, है। आप पुष्पा जी, दो जनों पुष्पा हम। जी का हाँ पुष्पा माइक ऑफ कर लीजिए भाई, जी पुष्पा प्लीज माइक म्यूट कीजिए, सबको डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी मैम, कोई बात नहीं, चलिए मैम नहीं, मैम बोलेंगे आपको, मैं जस्ट बोल रही। हाँ क्या पूछ रहे थे आप? मुझे पूछना एगोराफोबिया, था अच्छा एगोराफोबिया छिपकली से है ना, डरना, ये कौन सी फोबिया में आता है, ये पूछना था मुझे। छिपकली से डरना। वैसे ना जहां तक मैंने इसको पढ़ा है पहले, इनका ना जैसे डॉग का, इन सब का ना एक पर्टिकुलर अपना कोई, जैसे सुई निडिल से किसी को होता है, इन सब का अपना अपना नाम होता है, बाकी का जो सारा जो कॉमन होता है वो तो फिर फोबिया में ही आता है।
जैसे ये अगोराफोबिया इसमें लिया गया है कि पब्लिक प्लेस का होता है कि आपको पब्लिक प्लेस तो आप जाते हो ज्यादा भीड़ भाड़ में, इन सब में आपको डर लगने लगता है। मैं आपको बता दूंगी उसको देख के ना वो किस कैम आता है। जी। आगे देखिए मेजर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर ये दिखाई दे रहा है, वो छोटा है तो इसको ना ये सारी ये कॉमन ये सारे हैं उनके। अब मैंने इसमें से कुछ लिए हैं, सॉरी वो चला गया क्या आगे, नहीं नहीं है मैम कितना और बचा है, कल नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ मैंने आपको बताया ना ये टाइप्स बता दिए हैं और ये ही टाइप्स हैं इसमें भी आगे, इसमें और कुछ टाइप्स दिए गए हैं आप लोग ना उसको देख लीजिएगा एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा नहीं बचा है कॉज और सिम्टम्स बचे हैं शायद ना। ये तो मैंने आपको आगे कुछ दिए हैं इसमें ये स्लाइड्स, उनको आप ना खुद देख लीजिएगा वो छोटी छोटी है, इनको पढ़ेंगे तो थोड़ी वैसे आपको नॉलेज हो जाएगी। ये बचा है दो, बताइए इसको छोड़ना है करना है। इसमें भी आपको सिम्टम्स भी इतने बड़े चीजें नहीं है, वो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं आप लोग खुद देख सकते हैं, उनको खुद पढ़ लीजिएगा, इतना नहीं है इसमें। ये तो कॉमन सी चीजें हैं कि जेनेटिक में क्या होता है कि भाई किसी के फैमिली से ये चीजें चली आ रही हैं, जीन्स में ही उनके हैं तो उनको एंजाइटी होती है। ब्रेन केमिस्ट्री में क्या होता है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, अगर जैसे हमारे हार्मोन्स का होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जब हमारे इनका इनमें डिसबैलेंस हो जाता है जैसे आपने देखा होगा डोपामाइन सीरोटोनिन, जब इन हार्मोन्स में हमारे इनका लेवल कम या ज्यादा हो जाता है तो इनकी वजह से भी हमें क्या होता है एंजाइटी हो जाती है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है किसी का, अगर इन्वायरमेंट का स्ट्रेस आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, आगे ड्रग्स का होता है कि आप लोग एल्कोहल ले रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, मेडिकल कंडीशन है किसी की तो उनको भी एंजाइटी हो जाती है। बाकी आगे सिम्टम्स हैं ये फिजिकली साइकोलॉजिकली बिहेवियर दिए गए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इनको तो आप पढ़ लीजिएगा देख लीजिएगा, वही है सब चीजें नॉर्मल क्या क्या होता है। और ये भी कुछ बताए हैं मैं दिखा दिए गए हैं इसमें एंजाइटी में, जैसे उसमें नॉर्मल एंजाइटी था और हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर था, ये छोटी छोटी चीजें कॉमन सी, उनको पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसमें हमारा इतना दिया नहीं गया है कि सिलेबस में हमें उन्हें पढ़ना है उन सब चीजों को, थोड़ा बेसिक ही पढ़ना है। हाँ ठीक है, तो आप लोगों का टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस जो भी होगा वो देख बनाए बनाने हैं मुझे, और कि उसके बाद अगर देख लेंगे कि कितना, अगर आपको फिर से एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कुछ भी तो एक क्लास और कर लेंगे। ठीक है ओके धन्यवाद, चलिए शांति पाठ करते हैं। कमर गर्दन सीधी आंखें बंद मन शांत, ओम विश्वानि देव सवितर धुरतानि पराशुवाय यद भद्रम तन्मे आशुव, ओम शांति 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 सर्वारि सुशांतिर भवतु। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। बाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।